सुंदरपुर गांव में शारदा और प्रशांत नाम के गरीब दंपति रहते थे। वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो अपने बेटे को शहर में पढ़ा लिखा सके। इसी दौरान वो सोचते हैं कि रमेश की शादी करा देने की। हमारा बेटा शहर से पढ़ लिख के लौट आ रहा है, एक पढ़ी लिखी लड़की देखकर हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए, क्या कहती हो? दोनों पढ़े लिखे होंगे तो शहर में रह के पैसे कमाना चाहेंगे और ये सोचकर वो अपने पति को लेकर अलग हो जाएगी। क्या कह रही हो शारदा, फिर हमने अपने बेटे को शहर में पढ़ाया लिखाया क्यों? ताकि उसे हमारे तरह मजदूर का काम ना करना पड़े और उसकी जिंदगी बेहतर हो, इसीलिए तो उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो शिक्षित है तो उसके लिए भी तो एक शिक्षित लड़के ढूंढेंगे ना, कि मट्टी लेपने वाली किसी लड़की को हम ढूंढ के ले आएंगे। हम दोनों मजदूरी करते हैं तो हमारे में कोई फर्क नहीं, हमारा बेटा शिक्षित होगा और लड़की मजदूर होगी तो कैसा लगेगा तुम ही बताओ। बेटी की शादी हो गई तो परिवार लेके वो अलग रहेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए इतने दिनों से वो अलग ही रहा, शादी के बाद नौकरी करने के लिए फिर अलग रहेगा, तो हमारे साथ अब वो कब रहेगा? अगर ऐसा ही है तो मैं बेटी की शादी नहीं दूंगी, वो बस ऐसा ही रहे। अगर तुम ऐसा करोगी फिर तो और खतरनाक है, लोग कहेंगे इसके बेटे में कोई खोट है इसीलिए शादी नहीं हो रही है, गांव वाले उसे मर्द ही नहीं समझेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। ठीक है, हमारे साथ वो ना रहे पर शादी हो जाए। हमारी वीरू की बेटी है ना 10वीं पास है, खेत का काम, मजदूरी का काम और घर का काम भी जानती है, बहुत अच्छी लड़की है। अरे वो तो काला सोना है, बेटा देखकर उल्टी ही कर देगा। घर में पहले से एक काला सोना है ना शारदा, फिर से काला सोना क्यों चाहिए? अब बाप बेटे तो जैसे बहुत गोरे हैं, तोते की तरह लाल चोंच है, बात तो सुनो। शारदा गुस्से से ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। शारदा की ऐसी बातें सुनके प्रशांत मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद रमेश अनामिका नाम की एक अमीर लड़की से शादी करके उसे कार से अपने घर पे ले आता है। शारदा और प्रशांत घर के सामने बड़ी सी कार देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं। उस कार से बेटा रमेश और बहू अनामिका उतर आती है, गले में उनका हार था। बेटे को इस तरह देखकर माँ पिताजी बड़े आश्चर्य होते हैं। तभी रमेश अनामिका को लेके घर के अंदर आता है। माँ पिताजी, रमेश की आवाज़ सुन के वो अपने आप को संभालते हैं। वो देखते हैं बेटा और बहू है। अनामिका बहुत ही महंगी साड़ी पहनी हुई थी, महंगे गहने थे और बहुत ही गोरा सा चमकता हुआ चेहरा। रमेश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, इस लड़की का नाम अनामिका है, ये बहुत अमीर है, हम अभी अभी उसी के कार से घर आए। वो तो देख के ही समझ गए, पर हम पूछ रहे हैं ये अमीर लड़की गले में हार डाल के तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई है? आपने जिस तरह से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इस अमीर लड़की को ये सब देखकर बहुत पसंद आ गया। अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो ये अपनी जान देने को तैयार थी, इसीलिए इससे शादी करके मैं इसे घर ले आया। रमेश की पूरी बात सुनने के बाद शारदा और प्रशांत बहुत खुश हुए। बेटा, हमारा पालन पोषण और प्यार देख के तुमने शादी की है? हाँ सासू माँ, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो ना होंगे तो शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ, वो मेरी आखिरी सांस है, मेरी जान है। कहते कहते अनामिका को आंसू आ जाते हैं। ये देखकर शारदा और प्रशांत के भी आंखें गीले हो जाते हैं। शारदा और प्रशांत ये देखकर बहुत खुश होती है कि उनकी बहू अनामिका अपनी जान से भी ज्यादा बढ़ के उनके बेटे रमेश से प्यार करती है। सासू माँ, मैं बहुत धनी हूँ पर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं आपको आपके बेटे से अलग नहीं करूँगी, मैं इस परिवार को नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मैं इसी घर में रहूँगी और हम सब एक साथ रहेंगे। अनामिका ये सारी बातें इतना दिल से बोली कि शारदा और प्रशांत कुछ कह नहीं पाए। तब से गरीब सासू माँ शारदा अपनी बहू का इतना ख्याल रखती है ताकि उसके कदम नीचे जमीन पे ना पड़े। सासू माँ, गर्मा गर्म नाश्ता। जैसे ही उसने कहा, गर्मा गर्म नाश्ता बना के शारदा ले आती है। सासू माँ, पानी। जैसे ही अनामिका ने मांगा, तुरंत शारदा एक हाथ में पानी और दूसरे हाथ में कॉफी लेकर उसके पास जाती है। अनामिका पानी पीती है और कॉफी की तरफ देख कर कहती है, मैंने तो कॉफी नहीं मांगा था माँ जी। मुझे लगा तुमने मांगा इसीलिए लेकर आई। फिर बिना कुछ कहे अनामिका कॉफी पी लेती है। जब वो खाना मांगती है, शारदा तुरंत खाना ला के देती है। इस तरह अमीर बहू की सेवा और घर के काम काज में शारदा विलीन थी। तभी एक दिन बहू कहती है कि उसे खेत देखना है।
सासू माँ, मुझे खेत देखने का मन हो रहा है, आप मुझे ले चलेंगी? हाँ जरूर ले जाऊंगी बहू। ऐसा कहने के बाद अनामिका घर से बाहर निकल आई। अब खेत जाने के दौरान बहुत धूप में काली ना पड़ जाए, इसलिए शारदा अपने साथ एक छतरी भी ले आती है। बातें करते करते सास बहू सड़क से जा रही थी। उसे देखकर गांव वाले कहने लगते हैं, अरे देखो देखो, अमीर बहू रानी को गरीब सासू माँ सर पे छतरी डाल के ले जा रही है, और इस तरह हंसने लगती है। अब सामने वाला घर कावरी का है, बस वो मुझे ना देख ले, नहीं तो बहुत मजाक उड़ाएगी। हे ईश्वर, बस उसे घर से बाहर मत निकालना, मैं अपने पति का सारा बाल मुड़वा दूंगी। वो इस तरह से मनी मन सोच के जा रही थी। दीवार के पास ही कावेरी खड़ी थी, उसे देख लेती और बहुत हंसती है। शारदा अपना सर झुका के चली जाती है। ये तो होना ही था, कावेरी इस तरह कहती है। फिर कावेरी को याद आने लगता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। तभी एक दिन कावेरी शारदा के घर में जाती है। ये दोनों हमारे आँखों के सामने रहेंगे, कहा था आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी करा दीजिए भाभी, हमारा सारा पैसा तो उसी का ही है, खेत का काम काज घर का सारा काम काज आता है, वह आपका कभी असम्मान नहीं करेगी, आपके सर के ऊपर वो छतरी लेके चलेगी। पर आपने क्या कहा था? मुझे कहा अमीर बहू चाहिए थी बहन, हमें भी एक सीधी सादी गांव की लड़की, यही बस चाहिए थी। कावेरी ने अपना पूरा भड़ास निकाला। शारदा की बहू अनामिका तो अमीर थी। शारदा ने पैसे देकर अपने बेटे की शादी कराई। अमीर बहुरानी के बारे में इतना कुछ कहने के बाद अब शारदा का क्या हाल होगा, ये सोचकर कावेरी मुस्कुराई। लेकिन उसके बावजूद अनामिका और शारदा खुशी खुशी जीवन बिताती है। बहू अनामिका अपने हाथों में सेलफोन लिए दरवाजे के पास खड़ी थी और बार बार सड़क के तरफ ही देखी जा रही थी बड़े उत्सुकता से। अरे अभी तक वो क्यों नहीं आए, उन्होंने तो कहा था कि घंटे भर में वो आ जाएंगे, 2-3 घंटे हो गए अभी तक वो नहीं आए। रिपोर्टर के साथ मेरी मीटिंग अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी, तो क्या मैं उन्हें एक बार बुलाऊं? अनामिका जब इस तरह से परेशान हो रही थी तभी सासू माँ शारदा वहाँ पे आती है। अरे अनामिका, मैं पिछले 15 मिनट से देख रही हूँ तुम दरवाजे के सामने खड़े होके बार बार सड़क के तरफ देखी जा रही हो, कौन है वहाँ, क्या बात है? अरे सासू माँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ और ना ही आपको बिन बताए कुछ कर रही हूँ, जो भी करती हूँ भलाई करती हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए, रिपोर्टर कृष्णा आके पूरी बात बताएंगे। किसके बारे में? रेनू के बारे में। उसके बारे में तुम क्यों जानना चाहती हो? अरे सासू माँ, 2-3 महीने पहले रेनू कैसी थी और अब कैसी हो गई है? पहले वो हमारे घर से सब लेके जाती थी, दाल नमक सब्जी अचार सब कुछ, पर अब वो ऐसी परिस्थिति में है कि हम जो भी मांगेंगे वो हमें दे सकती है। वही तो, हम इतनी मेहनत करते हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए, पर उसने ऐसा क्या कर लिया जो थोड़े वक्त में इतने पैसे कमा लिए? ये बात सुन के शारदा भी सोच में पड़ जाती है। इसी बारे में जानने के लिए मैंने रिपोर्टर कृष्णा को आने के लिए कहा है। इसीलिए तुम दरवाजे के सामने खड़े होके बार बार देखे जा रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास फोन है ना, फोन कर लो। सासू माँ के इस तरह से कहने पे अनामिका ना नहीं कह पाती है, अपना फोन निकालती है और रिपोर्टर कृष्णा को फोन करने ही जाती है कि रिपोर्टर कृष्णा अनामिका के घर आ जाते हैं। तुम आ गए कृष्णा, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने जा रही थी, अभी अभी। मैंने आपसे कहा था ना कि काम खत्म होगा उसके बाद ही आऊँगा। ठीक है ठीक है, ये बताओ रेनू ने इतने कम वक्त में इतने पैसे कैसे कमा लिए? दीदी, रेनू एक यूट्यूबर है। लॉरी टायर, बस टायर, फ्लाइट का टायर, ये सब सुना है, पर यूट्यूबर, ये कौन सी चीज है नहीं पता। यहाँ खड़े होकर समझाना मुश्किल है, अंदर चलिए समझाता हूँ। जब वो ऐसा कहता है फिर शारदा अनामिका और कृष्णा तीनों हॉल में जाके सोफा पे बैठ जाते हैं। फिर रिपोर्टर कृष्णा यूट्यूब खोलता है, ये क्या है, कैसे काम करता है यूट्यूब, क्या होता है, ये सारी बातें सास बहू को अच्छी तरह से समझाता है। अनामिका सारी बातें अच्छे से समझ जाती है। फिर तो मुझे भी यूट्यूबर बनना होगा। ऑल द बेस्ट दीदी, फिर मैं अब निकलता हूँ। ऐसा कह के रिपोर्टर कृष्णा अनामिका के घर से चला जाता है। ओहो, मतलब इस तरह से रेनू अब पैसे कमा रही है।
अरे अनामिका, वो क्या कह के गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ में आया? इसीलिए तो सासू माँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ इंग्लिश में कैसे बातें करते हैं, इंग्लिश के शब्द आप अच्छे से सीख लीजिए। अब तुम मुझे बताओगी या फिर मेरा बेटा जब आएगा उसे मैं ये बात पूछूं? अरे नहीं नहीं, अभी मत बताइए सासू माँ, जब हम YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे उसमें वीडियो डालेंगे तब हम उन्हें बताएंगे, फिर देखिएगा वीडियो देखकर आपका बेटा कितना खुश होगा, क्या कहती है? अरे पहले तो बताओ वो क्या है। सासू माँ, अभी पहले हमें एक कैमरा खरीदना होगा, फिर उस कैमरे को लेकर हम आसपास के किसी पुराने मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर के बारे में बताएंगे, वहाँ की खासियत के बारे में बताएंगे। सुनो बहू, किसी भी वक्त किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बिना किसी कारण कोई मंदिर खुद से बंद नहीं होता, अगर हम बेवक्त चले जाए तो हमें समस्या हो सकती है, हम खुद से समस्या को आमंत्रण दे देंगे। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर अनामिका अपना मुंह फेर लेती है और मनी मन सोचने लगती है, बाप रे बाप, मेरी सासू माँ की बातें ही मुझे मुसीबत में डाल देगी, मुझे तो लग रहा है किसी सामान्य मंदिर को दिखा के उसी के बारे में कहना चाहिए, नहीं तो ये खुद नहीं जाएगी और ना ही फिर मुझे जाने देगी। इसी तरह मनी मन सोच के अनामिका कहने लगती है, ठीक है सासू माँ, आप बड़ी है, आपको हर चीज की ज्यादा तजुर्बा है, आपने ना कह दिया तो ना ही सही, अगर हम कोई साधारण मंदिर दिखा के बोलते हैं वो भी चलेगा, उसके बाद देखिएगा पैसे ही पैसे आएंगे। शारदा को इस तरह से कहने के बाद अनामिका एक नया कैमरा खरीद के लिए आती है। फिर एक दिन भगवान के फोटो के सामने शारदा कैमरा, लाइट स्टैंड, माइक सब कुछ ले आती है। हल्दी सिंदूर लगा के वो उसकी पूजा करती है। वो सामने में नारियल फोड़ती है और उसका पानी कैमरे पे छिड़क देती है। अनामिका इस पे कुछ कह नहीं पाती, फिर वो पड़ोस की एक मंदिर में जाती है। पूजा पाठ के बाद रिपोर्टर कृष्णा रिकॉर्ड करने लगते हैं। अनामिका उस मंदिर के बारे में विस्तारित रूप से कहती है। इस तरह बहू का यूट्यूब का यात्रा शुरू हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह 4 बजे अनामिका और कृष्णा दोनों गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह जाते हैं जहां पर एक सुसाइड कुआं था। चारों ओर अंधेरा था। कृष्णा रोशनी के लिए टॉर्च लाइट जलाता है। अब वो शूट करने के लिए रेडी था और इधर अनामिका अपने स्क्रिप्ट के साथ रेडी थी, पर अनामिका मनी मन बहुत डरी हुई थी, पर बाहर से वो अपने चेहरे पर धैर्य बनाई हुई थी। कृष्णा, सब रेडी है ना? हाँ दीदी, अब आप बोलना शुरू कीजिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री से भरा सुसाइड कुआं के बारे में बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए। दीदी बोलते रहिए आप, और अपने साथ ये टॉर्च लाइट भी रखिए। ठीक है कृष्णा, ये सुसाइड कुआं आज का नहीं है, बहुत ही पुराने जमाने का है। कहा जाता है कि ये कुआं पौराणिक समय से देखा गया है, यहाँ पीने का पानी होता था, पर इसका नाम सुसाइड कुआं क्यों हुआ, कौन है इस रहस्य के पीछे, हम इसका पता लगाएंगे और सारी बातें आपको बताएंगे। जब अनामिका ऐसा कहते हुए कुएं के आसपास घूम रही थी, अचानक से एक सांप अपना फन उठा के खड़ा हो जाता है। डर के मारे कृष्णा वही कैमरा छोड़ के भाग निकलता है। अनामिका इतना डर जाती है कि उसके बाद उसे बुखार आ जाता है, बिस्तर पकड़ लेती है और दवाई चलने लगता है। जब शारदा को ये सारी बातें पता चलती है तो शारदा बहुत हंसती है, बेचारी अनामिका को यूट्यूबर बनने के चक्कर में अपना जान बचा के भागना पड़ा।